इस समय आईपीएल 2022 के लिए होने वाले मेगा ऑक्शन की तैयारियां जोरों पर हैं। क्रिकेट देखने और समझने वाले लोग मेगा ऑक्शन के होने का इंतजार कर रहे हैं, पर इनमें से ही बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि अब तक आईपीएल की कितनी टीमों ने कितने कितने खिलाड़ियों को रिटेन किया है। जब आईपीएल की सभी 10 टीमें ऑक्शन में खिलाड़ियों पर बोली लगाएंगी तो उन्हें टीम में कितने खिलाड़ियों की जरूरत होगी और इस समय सभी टीमों के पर्स में कितने पैसे बचे हैं, आज सब कुछ हम आपको अपने इस वीडियो में बता रहे हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आईपीएल 2022 का हिस्सा बनने जा रही सभी 10 टीमों ने किन किन खिलाड़ियों को रिटेन किया है। तो शुरुआत आईपीएल की नंबर वन टीम मुंबई इंडियंस से करते हैं। मुंबई इंडियंस ने अपने 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। इनमें रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव और करण पोलार्ड शामिल हैं। हमारी इस लिस्ट में नंबर 2 पर मौजूद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने भी अपने कुल 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया है। इनमें रविंद्र जडेजा, MS धोनी, ऋतुराज गायकवाड़ और मोइन अली शामिल हैं। आईपीएल की नंबर 3 टीम के रूप में दिल्ली कैपिटल्स ने भी अपने 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। इनमें ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, पृथ्वी शॉ और एनरिक नोकिया शामिल हैं। आईपीएल के नंबर 4 टीम के रूप में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अभी तक अपने सिर्फ 3 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जिसमें विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और मोहम्मद सिराज शामिल हैं। आईपीएल के नंबर 5 टीम के रूप में कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी अपने 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया है। इनमें आंद्रे रसल, वरुण चक्रवर्ती, वेंकटेश अय्यर और सुनील नरेन शामिल हैं। इसके बाद आईपीएल की और टीमों ने, जैसे कि राजस्थान रॉयल्स ने 3 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। इनमें संजू सैमसन, जोस बटलर और यशस्वी जायसवाल शामिल हैं। पंजाब किंग्स ने अब तक सिर्फ 2 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। इनमें मयंक अग्रवाल और अर्शदीप सिंह शामिल हैं। इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने अभी तक 3 खिलाड़ियों को ही रिटेन किया है। इनमें केन विलियमसन, अब्दुल समद और उमरान मलिक शामिल हैं। इस साल आईपीएल में दो नई टीमों के रूप में जुड़ रही लखनऊ की टीम ने KL राहुल, मार्कस स्टोइनिस और रवि बिश्नोई के रूप में 3 खिलाड़ियों को टीम में जोड़ लिया है। इसके अलावा अहमदाबाद ने भी 3 खिलाड़ियों को अपनी टीम के साथ जोड़ लिया है, जिनमें हार्दिक पांड्या, राशिद खान और शुभमन गिल शामिल हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आईपीएल की सभी 10 टीमें अब कितने खिलाड़ियों को मेगा ऑक्शन में अपने साथ जोड़ने की कोशिश करने वाली है। अमूमन देखा जाता है कि आईपीएल में सभी टीमें 25 खिलाड़ियों का स्क्वाड बनाकर आईपीएल में खेलती हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो मुंबई इंडियंस को अभी कुल 21 खिलाड़ियों को अपनी टीम के साथ जोड़ना है। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स को भी 21, दिल्ली कैपिटल्स को भी 21 और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 23 खिलाड़ियों को अपनी टीम के साथ जोड़ना है। इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स को 21, राजस्थान रॉयल्स को 22, पंजाब किंग्स को 23, सनराइजर्स हैदराबाद को 22, लखनऊ को 22 और अहमदाबाद की टीम को 22 खिलाड़ियों को मेगा ऑक्शन के दौरान अपनी टीम के साथ जोड़ना होगा। तो आइए अब आपको बताते हैं आईपीएल की सभी 10 टीमों के पास 12 और 13 फरवरी को होने वाले मेगा ऑक्शन में खर्च करने के लिए पर्स में कितने पैसे बचे हैं। इस लिस्ट की शुरुआत उन टीमों से करते हैं जिनके पर्स में सबसे कम पैसे बचे हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पर है दिल्ली कैपिटल्स, जिसके पास 47.5 करोड़ रुपए बचे हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक ऋषभ पंत को 16 करोड़, अक्षर पटेल को 9 करोड़, पृथ्वी शॉ को 7.5 करोड़ और एनरिक नोकिया को 6.5 करोड़ रुपए में अपनी टीम के साथ रिटेन किया है। इस लिस्ट में नंबर 2 पर है मुंबई इंडियंस, जिसके पास पर्स में 48 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को 16 करोड़, जसप्रीत बुमराह को 12 करोड़, सूर्यकुमार यादव को 8 करोड़ और करण पोलार्ड को 6 करोड़ रुपए में टीम के साथ रिटेन किया है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, जिसके पास भी 48 करोड़ रुपए ही बचे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने रविंद्र जडेजा को 16 करोड़, MS धोनी को 12 करोड़, मोइन अली को 8 करोड़ और ऋतुराज गायकवाड़ को 6 करोड़ रुपए में टीम के साथ रिटेन किया है। इसके बाद नंबर 4 पर है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। इस टीम के पास भी 48 करोड़ रुपए मेगा ऑक्शन में खर्च करने के लिए बचे हैं। KKR ने आंद्रे रसल को 12 करोड़, वरुण चक्रवर्ती को 8 करोड़, वेंकटेश अय्यर को 8 करोड़ और सुनील नरेन को 6 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। इसके बाद इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है अहमदाबाद की टीम। अहमदाबाद के पास इस समय पर्स में 52 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। अहमदाबाद की टीम ने अब तक
हार्दिक पांड्या को 15 करोड़, राशिद खान को 15 करोड़ और शुभमन गिल को 8 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। इस लिस्ट में छठे नंबर पर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम, जिसके पास 57 करोड़ रुपए मेगा ऑक्शन में खर्च करने के लिए पर्स में बचे हुए हैं। आरसीबी की टीम ने विराट कोहली को 15 करोड़, ग्लेन मैक्सवेल को 11 करोड़ और मोहम्मद सिराज को 7 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। इस लिस्ट में सातवें नंबर पर है लखनऊ की टीम, जिसके पास 59 करोड़ रुपए मेगा ऑक्शन में खर्च करने के लिए बचे हैं। लखनऊ की टीम ने अब तक केएल राहुल को 17 करोड़, मार्कस स्टैनिस को 9.2 करोड़ और रवि बिश्नोई को 4 करोड़ रुपए में टीम के साथ रिटेन किया है। इसके बाद नंबर 8 पर है राजस्थान की टीम, जिसके पास 62 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। राजस्थान की टीम ने अब तक संजू सैमसन को 14 करोड़, जोस बटलर को 10 करोड़ और यशस्वी जायसवाल को 4 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। इसके बाद नंबर 9 पर है हैदराबाद की टीम, जिसके पास 68 करोड़ रुपए पर्स में मेगा ऑक्शन के लिए बचे हुए हैं। हैदराबाद की टीम ने अब तक केन विलियमसन को 14 करोड़, अब्दुल समद को 4 करोड़ और उमरान मलिक को 4 करोड़ रुपए देकर टीम के साथ रिटेन किया है। और इस लिस्ट में नंबर 10 पर है पंजाब किंग्स की टीम, जिसके पास सबसे ज्यादा 72 करोड़ रुपए बचे हैं। पंजाब किंग्स ने अभी तक अपने सिर्फ 2 खिलाड़ियों को ही टीम के साथ जोड़ा है, जिसमें मयंक अग्रवाल 12 करोड़ और अर्शदीप सिंह को 4 करोड़ रुपए मिले हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि हम आप तक ऐसी ही क्वालिटेटिव वीडियोस पहुंचाते रहें, तो आप हमें इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल को जरूर बढ़ाते रहें, ताकि हम आप तक ऐसी ही और भी वीडियोस लाते रहें। आपको क्या लगता है, कौन सी टीम सबसे ज्यादा बैलेंस टीम बनाने वाली है, इसके बारे में भी हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्रिकेट की दुनिया जुड़ी और तमाम लेटेस्ट खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। जय हिंद।